गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस बड़ाई सी आपका है जिंदगी में, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है और ये एक्सपीरियंस ना लेते रहते हैं। जब उम्र होती रहती है तो तजुर्बा होता रहता है कि क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं जीवन में। जैसे अभी हम रात के 3 बजे फर्स्ट टाइम आए हैं और हेल्प करने के लिए, और देखिएगा कैसे सुनसान हो रखा है। मतलब 3 बजे यार हद होती है, मेरे को तो उठना भी 5 बजे था। और ये देखिए हस्बैंड तो जा भी चुके हैं। तो यहाँ से उठा लेते हैं चाय, आधी किलो बोली है ना मम्मी ने। चल रख, ये भी रख, मम्मी की फेवरेट है ये। चलो तो गाइस ये क्या उठा रहा है, और नहीं उठाना कुछ भी। तो ये रख ली मैगी, परेशान मत हो, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। गाइस हमें नहीं मिल रही है बिल्कुल पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अब सब मैं देख चुका हूँ लेकिन यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही है, सारी जो है कोकम्बर पर ही पड़ी हैं। लड़का मेरा परेशान हो चुका है और इसको मिली नहीं है सास पास्ता सॉस मिली। मीनवाइल मैं यहाँ से ले लेता हूँ धारा धारा शुद्ध धारा, और बास्केट अनअटेंडेड एट एनी टाइम। घी भी रख लिया, चलो रखो जल्दी रखो, व्हाट्सएप रखो रखो, पीछे 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 देखो पीछे। तो गाइस हमने ना सारा सामान वगैरह सब खरीदने के बाद घर आ गए हैं, और घर आने के बाद जो मैडम का 2 दिन से चल रहा है हेयर स्टाइलिंग, मैडम के नए बाल इस तरह से हो गए हैं, थोड़े से सॉफ्ट और स्मूथिंग सी तो हो गई है थोड़ी सी। लेकिन 2 दिन, कल इनका पूरा दिन लगा, आज भी पूरा दिन लगा, और कम से कम 2-3 लाख रुपए का बिल बैठा के आई है मेरी नजर। देख सकते हो सारा सामान फैला दिया है, कोको अभी काउंटिंग करने पे लगा हुआ है और मम्मी अब संगवाएंगी सामान। और ये देखो, हाँ बेटा कर दिया सारे हमने सारा सामान डांट काट लिया, हमने देख लिया सारा ए नंबर का सामान लाए पापा जी आप। हाँ अच्छा बेटा, तू तो बहुत ही क्यूट बच्चा है मेरा। हम तो ऐसे ही करते हैं काम फ्री में ही। चलो निकालो मेरे कुछ पैसे। चल बेटा दे दूंगा तुझे भी पैसे। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस इतना सारा सामान है। संस्कृति का एक डांस परफॉर्मेंस थी, ये अगली क्लिप आप देखेंगे डांस परफॉर्मेंस की, अगर इसने मुझे दे दी तो। और यहाँ धोखे से बच्चे को लग गई चप्पल, खेल चल सामान रख दे बेटा। देख कितना सामान पड़ा हुआ है जमीन पे, सारे को उठा दे मेरे लाडो। ये देखो हैं, खा तो रही हूं। आपका दिन कैसे कटता है? खा खा के। हाउ डू यू स्पेंड योर संडे? खा खा के और देख देख के मुंह पर। देख लो गाइस, चलो यहाँ से शुरू करो सबके सब लोग। यहाँ घी से शुरू करो, घी उठाओ तेल उठाओ सब उठाओ। मैं नहीं उठाऊंगा, दादाजी से काम करवा रही हूँ, शर्म नहीं आती। मैं काट के तुम्हारे सारे राइस बिखेर दूंगा, कभी ज्यादा बन रहे हो, हट जाओ यहाँ से। बेटा इसके साथ ऐसे मत करो प्लीज, इसने अपनी काउंटिंग प्रॉपर तरीके से कर ली, सारा सामान चेक किया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तेरी जिम्मेदारी बनती है, और संस्कृति तेरी भी जिम्मेदारी बनती है। काउंटिंग से मैं भी कर लेती। काउंटिंग नहीं, अब रखने की जिम्मेदारी है। हेल्पलेस है ये, और तुम हेल्पफुल हो। क्या बात कर दी बेटा, ये देखो ये मुझे ही पकड़ा दिए गए हैं परफ्यूम। रुको रुको रुको, अरे भैया खोल के रख दिए क्या। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये अपनी बिल्कुल भी बाल तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन ये कंडीशन से परेशान है, इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इनके साथ बहुत गलती से जल्दी जल्दी काम को निपटा दिया गया है। मेरे को 6 घंटे वेट करा के और मेरे को 40 मिनट में काम करके, जो मेरे को 3 घंटे का प्रोसेस हो रहा था 40 मिनट में कर लिया, कैसे रिजल्ट देगा बताओ। यार बात तो सही कह रही है, ईंट मार उसके पत्थर मार जाके अभी। और यहाँ देखो बच्चों ने खाने का खेल बना रखा है, तुम ही उठा दो अगर उठा सकती हो, बच्चों को समझाओ तो। आज है आखिरी श्राद्ध और आज आखिरी श्राद्ध को मनाया जा रहा है। वैसे तो सारे श्राद्ध हमारे ख़त्म हो चुके हैं, इधर देख सकते हैं घर में जो है पहले से ही पूछ के रख दिया है, बस लेके जाने वाला हूँ। और यहाँ पे राधिका बना रही है घर में खाना, कचौड़ियाँ बना रही हैं, पूड़ियाँ बना रही हैं। आज खीर जल गई थी मैडम की, और बेचारी की खीर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ मैं था, पर मैं यही तो कह रहा था, मैं नहीं तो बताया। पापा मेरा श्राद्ध कब मनाओगे? बेटा जब कोई चला जाता है ना दुनिया छोड़ के तब मनाते हैं, ऐसे श्राद्ध नहीं मिलते हैं। ठीक है खा लूँ मैं तो, कितना अच्छा बनता है श्राद्ध का खाना। और यहाँ दिखा देता हूँ, वत्सल मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, और बाकी लोग भी घर में हैं, बाकी आके दिखाऊंगा क्योंकि सब सोने पे मस्त हैं। तो हम चल पड़े, इन तो बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही चटकारेदार हो चुका है, गाय ढूंढनी होंगी हमें सड़क पे, अभी तो कोई दिख नहीं रही है पर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, फिलहाल चल पड़ते हैं। यहाँ पर अक्सर ना गाय रहती हैं लेकिन आज यहाँ एक भी गाय नहीं दिख रही है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें हो गई है क्योंकि हम बहुत लंबा सफ़र करके पता नहीं कहाँ कहाँ गाय चेक करके आ गए हैं। वत्सल हो चुका है परेशान,
अभी हम दूसरी साइड देख रहे हैं, अगर हमें कहीं और दिख जाती है गाय तो कहाँ पे होंगी बेटा, कहीं गाय नहीं है, देखो दूर दूर तक गाय नहीं है। अब एक काम करते हैं, हम भी ऐसे रखते हैं, आज गाय हो गई है गायब, ठीक है, आज गाय है गायब, आज है वो छुट्टी पे, आ जा। उसी नुक्कड़ पे रखेगा, इस पे रखेगा। तो गाइज यहाँ पे सब लोग अपना खाना वाना रख के जा रहे हैं और हम भी अब रख के जाना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि गाय हो गई है गायब और हम दोनों परेशान हैं। तो गाइज हम भी इसी नुक्कड़ पे खाना रख देते हैं अपना, क्योंकि और कोई हमारे पास चारा नहीं बचा। बस चल रख दो बेटा, निकाल के रख दो, यहीं आएंगी गाय खा लेंगी आराम से, आ जा बेटा चलो। गायब हो जाए तो गाइज क्या करें, कुछ ना करें, अगली बार जल्दी टाइम से निकले। तो गाइज अभी आजकल हम अपना घर देख रहे हैं, क्योंकि अब हमें घर चेंज करना है। देखने के लिए मेरे साथ देख सकते हैं आप कौन कौन आ रहे हैं। एक तो मेरे पीछे बैठ चुका है मेरा चिरकोटा, इसके बिना तो मैं घर ही नहीं लेता हूँ, ये जहाँ कहेगा ना कि इसको घर लेना वहीं। और दूसरी आ गई ये खुरापातन, देख सकते हैं। बाकी ये टीम मेंबर भी हमारे चल रहे हैं, ये हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि इनके बिना कहानी अधूरी रहती है गाइज। तो गाइज देखा घर यहाँ पे भी, एक सोसाइटी में चेक किया, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। राधिका को धूप की वजह से समस्या हुई, क्योंकि इसे सनटैन करने घर में बैठ के, और संस्कृति को भी नहीं पसंद आया। मकान छोटा लगा ना संस, सोसाइटी ही अच्छी नहीं लगी। गाइस सोसाइटी हम लोगों से ही होती है, लेकिन पहली बार सुनने में आया कि हमें बाहर की सोसाइटी अच्छी नहीं लगी है। फिलहाल चल पड़ते हैं, रिक्शे वाले बेचारे पेशेंट का वेट कर रहे हैं, पेशेंट का क्यों कर रहे हैं, कस्टमर का वेट कर रहे हैं, कब कस्टमर आएंगे। लेकिन संस्कृति अपनी बात के काय। तो गाइस 7 बज चुके हैं और घर में हम लोग अभी आके घुसे हैं, क्योंकि आज हमारा बाहर घूमना रहा, नए घर की तलाश में हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन घर नहीं मिल पा रहा है, देखते हैं कहाँ मिलता है। लेकिन इस बीच आए तो देखा बच्चों ने जो है मैगी वगैरह बना ली है, और राधिका ने आते ही चाय रख दी है, और चाय के लिए समोसे भी आए हैं। ये देखो भैया, ये समोसे पहले ही खाती हुई पकड़ी गई हैं, इन्होंने अपना समोसा पहले उठा लेती हैं। संस्कृति पहले ही क्यों उठा लेती हो बेटा, और भी तो लोग हैं घर में। इनको शर्म आती है ना फिर बात के खाने में, यूं नहीं कि अपने डॉगी के साथ ही खा लूं बात के, देखेगी भी नहीं, अब हीट हो गई है पूरी। मुंह को देख रहे दीदी, बहुत अच्छे से देखा तूने। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन चटनी के साथ एप्पल और साथ में समोसा, यहाँ पे अब खाने की तैयारी हो रही है पूरे जोरों शोरों से। जो बच्चा है मेरा, ये बैठ गए हैं, क्योंकि इनको कुछ मिलेगा नहीं, पर ये सूंघने से काम चला लेता है। और यहाँ पे चीज़ें उबलती हुई निकलती हुई, लेकिन राधिका मज़े ही मज़े आ रहे हैं आज तो। बहुत पतली बना दी कोई, ये तो सही है, दे दो सर्व कर दो बच्चों को, पतली बना दी ना। ओ भाई साहब निकल गए, आज तो तूने सारा ऑयल ही रखा है, लास्ट रात जो था है ना, तेज दौड़ रहा है। ये हमारे देख लो चुलबुल पांडे, कल आए थे, आज आपको दर्शन हो रहे हैं, और कल ये शायद होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता है। बुकिंग हो गई तुम्हारी फ्लाइट की? यस यस कर रहा हूं। कौन सी से कर रहा है, एतिहाद? नो इट्स इंडिगो। इंडिगो से करेगा? यस सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस, तो गाइस सिंगापुर एयरलाइंस से टिकट बुक कर रहा है बच्चा, क्योंकि इसको किसी किस में जाना था तुझे, कहीं जा रहा था ना, हैकाथॉन? यस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हैकाथॉन में ये पार्टिसिपेट करने जा रहा है। लड़की को इसी बात से धसका लगता हुआ, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये फेंक रहा है, ऐसा गलत जी गलत, ऐसे नहीं लग रहा। बेसब्री से समोसा खाती हुई, और इसने भी, ये देखो ये भी हैकाथॉन की तैयारी में लग गया है। क्यों बेटा, इन सबको हैकाथॉन भेज दो, मुझे कहीं तो भेज दो, कहीं तो किसी मैराथन में भेज दो, मुझे खेतों में भेज दो, बस हैकाथॉन में ना भेजो। तो यहाँ पे गाइस काम हो रहा है, और कल के लिए पहले से ही फ्रूट वगैरह ला के रख ली है राधिका। yes. क्या प्रॉब्लम हो गई, फ्लाइट की टिकट हुई बुक? इमरजेंसी में करोगे तो 2-2 लाख की होगी ना? अरे 2 लाख की नहीं, 7.5 लाख कॉस्ट। इतनी महंगी क्यों ले रहा है, इतने में तो समुद्र पार करके ऐसे चला जाएगा तू। बिजनेस क्लास कर रहा है, स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट ही बन के जी ले। संस्कृति गलत बात नहीं है इसकी, सही बात है, गलत बात है, सही बात है, तूने बता दिया इसकी मम्मी को कि 7 लाख की टिकट बुक की है इसने,
पैसे वाली पार्टी ये पैसे वाली पार्टी है तो ये क्या है? हेलो हाँ ब्रदर, ये चल रहा था, मुझे कोई हेलो ब्रदर कह रहा है, मैं हेलो ब्रदर वाली फीलिंग लेने लग गया था उठ के। तो गाइस कल है पहला नवरात्र और हम आपको एडवांस में हैप्पी नवरात्र विश कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत माता रानी आशीर्वाद दे, अपनी कृपा बनाए रखे। हाँ गाइस हैप्पी सुख नवरात्रि। बाय बाय बाय।